हेलो दोस्तों, आज मैं आपको पनीर सैंडविच बनाना सिखा रही हूँ। ये मैंने जो मेरे फटे हुए दूध थे उससे मैंने छेना निकाला है, उसी को मैं यूज कर रही हूँ। आप चाहे तो आप फ्रेश पनीर से भी बना सकते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 4 स्लाइस ब्रेड, पनीर, कटे हुए अनियन, थोड़े कॉर्न, थोड़ी हरी मिर्च कटे हुए, छोटे छोटे चॉप्ड टमाटर और थोड़े धनिए के पत्ते। आज मेरे पास शिमला मिर्च नहीं है तो मैं नहीं डाल रही हूँ, आप चाहे तो थोड़ा वो भी ले सकते हैं। थोड़े से मैंने डाले सैंडविच के मसाले 1 टीस्पून। उसके बाद सारे कटे हुए सब्जियों को इसमें मिक्स कर दें। अलग से आपको सॉल्ट नहीं डालनी है, मेरे सैंडविच मसाले में ऑलरेडी सॉल्ट है। इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आप देख रहे हैं मैंने कुछ चीनी के टुकड़े लिए हैं जो बॉटल में आपको दिख रहे होंगे। ये पिज्जे के टॉपिंग के लिए यूज करती हूँ। आप 3-4 इसमें दे के सैंडविच बनाते वक्त डाल सकते हैं। इस तरह से ये अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। अब इसमें मैं गरम कर रही हूँ टोस्टर को, और इस पे बटर पेपर मैंने ऑलरेडी रख दिया है। इसे ऑयल से मैं पहले ग्रीस करूंगी, उसके बाद ब्रेड के स्लाइस रख दे और अपने फिलिंग्स को अच्छी तरह से 2 टीस्पून ब्रेड के ऊपर डालें। फिर इसके बाद टॉपिंग में अगर आप चाहे तो स्वीट कॉर्न डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है। आपकी इच्छा नहीं हो तो आप नहीं डालें। आपके पास कैप्सिकम हो छोटे छोटे वो डाल सकते हैं एज फॉर टेस्ट। उसके बाद आप थोड़े थोड़े चीज डालें, चीज भी आप स्किप कर सकते हैं, है तो डालिए। अगर आप नहीं भी डालते हैं तो भी आपके सैंडविच बहुत अच्छे बनेंगे। मैंने 1 टीस्पून चीज डाला है। उसके बाद में फ्रोजन चीनी के टुकड़े को मैं डाल रही हूँ। रेड और ग्रीन मेरे पास हैं जो पिज्जे के टॉपिंग में यूज होते हैं। 4-5 टुकड़े आप डाल दें, इससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। फिर इसे कवर कर दे दूसरे ब्रेड से और उसके ऊपर ऑयल से अच्छी तरह से ग्रीस करने के बाद दूसरा बटर पेपर रखें और इसे बंद करके 3 मिनट के लगभग पकने दें। देखिए कितनी अच्छी तरह से ये गोल्डन ब्राउन हो गए हैं आफ्टर 3 मिनट्स। और इस तरह आप बाहर निकाल के अपने सैंडविच को या तो ऐसे ही खाएं या फिर इसे 2 टुकड़े काट लें और इसे प्लेटिंग करें किसी भी मेयोनीज, व्हाइट सॉस, टोमेटो सॉस, इन सब चीजों के साथ ये बहुत अच्छे लगते हैं। ये आपका रेडी हो गया। मैं इसे टोमेटो सॉस के साथ सर्व कर रही हूँ। देखिए कितने यमी और डिलीशियस बने हैं, देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं।